नमस्कार, प्राइम बी की न्यूज में आपका स्वागत है। खबर रामनगर से है। रामनगर में लखनपुर स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद है विभिन्न विभाग के अधिकारी द्वारा अपने अपने विभाग के तहत केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वही बता दें कि विभाग द्वारा अब तक योजनाओं के तहत जनता को दिए गए लाभ की भी विशेष जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्टॉल के माध्यम से विशेष जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद रामनगर विधायक दीवान सिंह ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि जब हमें 100 साल गुलामी के आजाद हो जाएंगे, तो इसको लेकर 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का सपना है। प्राइम बी की न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि जब हम 100 साल गुलामी के आजाद हुए हो जाएंगे, तो 2047 तक हम इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाएंगे। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में मनाई जा रही है। अभी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में करा था और अब नगर क्षेत्र में भी ये कार्यक्रम, और इसके बाद फिर आगे भी वन क्षेत्रों में भी ये कार्यक्रम होने। तो जो हम कैसे विकसित इस भारत को विकसित राष्ट्रों में लाएंगे, तो उसके लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को नीचे धरातल पर उस व्यक्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा है, उस तक उन योजनाओं का लाभ मिले, कैसे गरीबी से ऊपर उठने में रह जाएगा, तो हम विकसित नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि हमारी जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं, समाज के उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक वो योजनाओं का लाभ मिले। कैसे मिले? इन यात्राओं के माध्यम से सभी विभाग के लोग, सभी संगठन के लोग, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सब लोग उस कार्यक्रम में जुड़े, इसलिए जागरूकता यात्रा निकाली। मैंने कहा ना कि अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी ये सारे कार्यक्रम हुए हैं, तो वहाँ भी कुछ आए तो मैंने निर्देशित भी किया है और नोडल हमारे जो अधिकारी थे कि जहाँ पर ये कमियाँ हैं, मैंने कहा ये व्यवस्था सुधारो। जैसे ग्राम पंचायतों पंचायतें हैं हमारी, नगर पंचायत घर हम जिनको, लेकिन वहाँ अधिकारी नहीं बैठता। मैंने कहा तय करो कि 15 दिन में बैठे, अगर ज़्यादा विधान ग्राम सभाएँ अगर कम हैं तो हफ्ते में बैठे, 15 दिन में बैठे, एक महीने, लेकिन बैठेगा वहीं। तो मैंने ये सारे निर्देशित किया गया है। ये जितनी भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ हम लोगों का भी कर्तव्य है कि आप लोगों का भी है कि आप पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों की जो ये योजना है इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर ग्राम सभा में, उसी प्रकार से नगर पालिका में, जैसा भी नगर पालिका के लोगों ने अपनी बातें रखी, तो हम इसमें भी कर रहे हैं कि अधिकारी वहीं बैठे, जैसे हम कहते हैं ना कि सरकार जनता के।